हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल का कंप्लीट हुआ। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। ठीक है ना, तो पैरेललोग्राम के शेप हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़े, ट्राइंगल चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है। ठीक है ना, उसकी सारी प्रॉपर्टी को काम में लेते हुए और एरिया मेनली फोकस रहेगा कि एरिया कैसे निकालते हैं। एक्चुअली आपको ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पता होगा, बचपन से पता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, और इसका भी हम भी समझेंगे कैसे आता है। ठीक है ना, सो हम यहाँ पे जो मेन चैप्टर में बात करेंगे वो इस तरह से करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको बोलूं कि हम ये देखेंगे कि किसी भी दो शेप का, कोई भी दो अलग अलग शेप, जैसे एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम, क्या इन दोनों का एरिया कभी बराबर हो सकता है या क्या इन दोनों के एरिया में कोई रिलेशन हो सकता है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसके बाद में कुछ चीजें आपको ऐसे दे रखी है कि कोई दो शेप अगर एक बेस पर हो, एक बेस का मतलब उनमें एक साइड कॉमन हो, और दूसरा कि इक्वल बेस पर, सेम बेस पर भी हो, और दो इक्वल पैरेलल के बीच में हो, सेम पैरेलल के बीच में हो, तो उनका एरिया वगैरह इक्वल होता है। ये सारी बातें इस चैप्टर में करनी है। ठीक है ना, सो निकालिए चैप्टर नंबर 9, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको जैसे आप बुक खोलेंगे तो आपको बहुत सारे तरह के शेप दिख रहे होंगे, तो मैं बात करता हूँ किस तरह से चैप्टर काम करता है। पहले देखिए, पहला तो नॉर्मल सी बात, आप जानते हैं कोई भी शेप दे रखा है, जैसे एक ये कोई रेक्टेंगल दे रखा है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, और सपोज कीजिए आपको रेक्टेंगल का एरिया नहीं पता, आपको सिर्फ एक ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है और आपको इसकी साइड वगैरह दे रखी हो, तो आप क्या करेंगे भाई साहब, आप इसको दो ट्राइंगल के अंदर डिवाइड कर लेंगे, दोनों ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकाल के एड करेंगे, तो आपको उस रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा कि नहीं मिले, बस ये सारी बात है। ठीक है, अब देखिए, सो पहले हम इसे बात करेंगे फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है, फिगर फिगर ऑन द सेम बेस का मतलब कोई भी एक साइड है सेम, ठीक है ना, सेम बेस एंड एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स मतलब दो सेम पैरेलल लाइन के बीच में। ठीक है ना, ये पहले हम बात देखते हैं कि दो शेप जो होते हैं उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उनका बेस सेम है दोनों का और दोनों या तो इक्वल पैरेलल के बीच में। फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे एक कोई ट्रायंगल दे रखा है इस तरह से, अच्छा ये कोई ट्रायंगल दे रखा है, इसी तरह से आपको इसी बेस के ऊपर एक और चीज दे रखी है इस तरह से। अच्छा, अब देखिए ये ट्रायंगल, जैसे मैं नाम दे दूं ए बी सी, ये नाम हो जाएगा डी ई। ठीक है ना, तो ट्राइंगल ए बी सी है ना, और रेक्टेंगल ए ई डी सी, ये दोनों एक ही बेस पर है, कौन सा बेस, ए सी, ए सी मतलब इन दोनों में एक साइड कॉमन। ठीक है ना, लेकिन ये दोनों इक्वल पैरेलल के बीच में नहीं, क्या ये जो इक्वल पैरेलल के बीच में कैसे होता है कि अगर बी वाले पॉइंट से होती हुई अगर ये ईडी वाली लाइन जाती तो हम बोलते हैं कि दो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम जो है वो इक्वल बेस और इक्वल पैरेलल, सेम पैरेलल के बीच में है, सेम पैरेलल और सेम बेस के ऊपर है। ठीक है ना, तो अभी आपको पूछे कि ये जो रेक्टेंगल और ट्राइंगल है इनमें क्या चीज कॉमन है, तो इनमें एक बेस कॉमन है, मतलब ये सेम बेस पर है लेकिन सेम पैरेलल के बीच में नहीं है। क्लियर, इसी को अगर मॉडिफाई करके फिर से मैं लिखूं तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से कि अगर आपको सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में बनाना है तो इस तरह से, अब ये ए बी सी डी और ई इस तरह से, अब ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम या फिर ये रेक्टेंगल, ये दोनों ही एक ही बेस पर है, कौन सा बेस, ए वाला, और सेम पैरेलल के बीच में कौन सी, बी डी इज पैरेलल टू ए, तो इन दोनों, ये दोनों सेम पैरेलल के बीच में है ना सब, तो यहाँ पे आगे थ्योरम पढ़ेंगे हम आगे जाके 9.1 के बाद में 9.2 वाले थ्योरम में शायद, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एक पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, अगर दो एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल अगर सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल बनते हैं तो पैरेललोग्राम का एरिया इज इक्वल टू डबल ऑफ ट्राइंगल एरिया, या फिर ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम एरिया। मतलब अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया दे रखा है ना तो आप डायरेक्टली इसका ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो अगर वो दोनों सेम बेस के बीच, सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल के बीच में हो। क्लियर है ना, इस तरह से होगा तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए, बहुत सारे बुक में आपको शेप दे रखे हैं, जैसे सेम पैरेलल में कैसे होता है
अब दो कोई एक रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम भी सेम बेस पर हो सकते हैं ना। अब सेम बेस पर कैसे होंगे देखो, जैसे ये रेक्टेंगल इस तरह से, अब आपको बोले अब ये पैरेललोग्राम, जैसे मैं बात करूं ए, ये इधर बनाना पड़ेगा ना, ए बी सी और डी, ये ए बी सी डी, जो सॉरी ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी जो है वो रेक्टेंगल है, और ए ई एफ डी ये वाला, ये पैरेललोग्राम दिख रहा है। सो आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों इक्वल पैरेलल सेम पैरेलल के बीच में, ठीक है ना, ये दोनों सेम पैरेलल के बीच में, इनका ये दो पॉइंट इस पैरेलल से होकर जा रहे हैं और इसके ये दोनों पॉइंट इस पैरेलल से होकर जा रहे हैं, और इन दोनों में एक बेस भी कॉमन है, कौन सा, ये वाला दिख रहा है, इन दोनों का एक साइड कौन सी कॉमन है, ये वाला। सो हम थ्योरम पढ़ेंगे 9.1 पहले थ्योरम, वो यही थ्योरम है कि अगर दो पैरेललोग्राम एक सेम बेस पर हो एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो तो उनका एरिया जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। सो इन दोनों का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे ना, वो का वो इस पैरेललोग्राम का एरिया आएगा, समझ गए, क्लियर है ना। इस तरह के बहुत सारे शेप आप देखिए, अलग अलग तरह के शेप दे रखे हैं, ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। जैसे एक और ट्रायंगल वाला दे रखा है, जैसे इस तरह से बना रखा है अगर, तो ये दोनों भी सेम बेस पर है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर है, ये साइड कॉमन है, लेकिन दोनों सेम पैरेलल पे नहीं है, इसका ये वाला वर्टिसेस वर्टिसेस या इस लाइन से होकर जा रहा है और इसका ये वाला इस लाइन से होकर जा रहा है, तो ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है, क्लियर है ना, ठीक है। सो ये सारी बच्चों वाली बातें आपको दे रखी है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा सभी को, ठीक है ना। बुक साथ में रखा करें, बुक के बिना लेक्चर नहीं देखे मेरा प्लीज। अब एक्सरसाइज 9.1 एक ही क्वेश्चन है इसके अंदर, हाँ एक ही क्वेश्चन है, और आइडेंटिफाई करना है अलग अलग शेप दे रखे हैं कि कौन सा सेम पैरेललोग्राम किसके बीच में है, ठीक है, बिटवीन सेम पैरेलल और ये है कि नहीं। चलिए तो हेडिंग आप लगी रहने दें, आप सिर्फ लिखे एक्सरसाइज 9.1, पहले इसको कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते बेटा। देखिए एक्सरसाइज 9.1 9.1 के अंदर पहला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है ना। इन सच केस राइट द कॉमन बेस एंड द टू पैरेलल्स, बोला है कि ये सारे जो शेप दे रखे हैं इनमें से कौन से शेप है जो सेम बेस पर भी हो और सेम दो पैरेलल के बीच पे भी हो, ठीक है ना। और अगर ऐसा है तो सेम बेस कौन सा है और कौन सी पैरेलल आपको बताएं। जैसे पहला शेप दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ट्रेपेज़ियम दे रखा है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। सो हम जानते हैं इसके अंदर बात करें इस वाले शेप के अंदर फर्स्ट के अंदर, तो आपको दिख रहा है ये दो एक ट्रेपेज़ियम है ए बी सी डी, तो ट्रेपेज़ियम ए बी सी डी एंड ट्राइंगल डी पी सी ये दोनों सेम बेस पर है, तो सेम बेस कौन सा हो जाएगा, इज इक्वल टू डीसी। भाई इस ट्रायंगल के अंदर भी डीसी आ रहा है शेप और इस पूरे ट्रेपेज़ियम के अंदर भी डीसी आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इन दोनों के बीच कॉमन बेस कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना। और दोनों इक्वल पैरेलल के बीच में भी है, सेम पैरेलल के बीच में, ये एबी वाली लाइन इज पैरेलल टू डीसी, ठीक है ना। सो ट्रेपेज़ियम में होता भी है ना कि अपोजिट साइड का एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, इक्वल नहीं होता है। So, ये वाले साइड इक्वल मतलब आप समझ रहे हो, मैंने ये एक लाइन पे डबल लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि एसी डीसी इज इक्वल टू डीसी यहां पर है, समझे, कि ट्राइंगल के अंदर भी डीसी है और ट्रेपेज़ियम के अंदर भी डीसी है। मैं बेटा ये बार बार चीजें नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, एक बार के लिए आपको समझा देता हूं, फिर हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा आप नहीं लिखेंगे, बच्चों वाला काम नहीं करना है, फालतू का टाइम पास नहीं बेटा। ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ठीक है ना, बिटवीन ए एंड बी, ए बी एंड डीसी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाले के अंदर एक पैरेललोग्राम दे रखा है ऐसे, उसके अंदर एक और पैरेललोग्राम दे रखा है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जब अपन को कोई शेप नहीं पता तो आप पैरेललोग्राम ट्रायंगल वगैरह ना बोल के आप सीधा उसको कोऑर्डिनेटर बोला करें, अगर फोर शेप का है तो कोऑर्डिनेटर, थ्री शेप का है तो ट्रायंगल, थ्री साइड का है तो सॉरी। चलिए अब यहां पे दो पैरेललोग्राम है, दो अपन बोले क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल एस एम एन आर,
एंड क्वाड्रिलेटरल एस पी क्यू आर, क्या ये दोनों सेम बेस पर है? क्या इन दोनों में सेम बेस कॉमन है? कॉमन है, ठीक है। कौन सा? एस आर आर। तो हम लिखेंगे बेस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सेम बेस बार बार नहीं लिखूंगा। बेस कौन सा है? एस आर। एस आर दोनों के अंदर कॉमन है, लेकिन क्या ये दोनों बिटवीन सेम बैलेंस है? मतलब क्या एस आर जो है, एस आर पैरेलल टू पी क्यू हो सकता है, लेकिन क्या ये दोनों शेप इन दोनों पैरेलल के बीच में है? नहीं। ये वाला जो एम एन है ना, तो ये वाला जो ट्रेपेज़ियम, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल एस एम एन आर, ये क्वाड्रिलेटरल दो पैरेलल के बीच में है, किसके किसके? एस आर और एम एन के बीच में। जबकि जो बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, ये दो पैरेलल के बीच में है, एस आर एंड पी क्यू। तो दोनों का पैरेलल अलग अलग है ना, तो लिख लेंगे, सीधा लिख लेना, बिटवीन ये वाला क्वाड्रिलेटरल किसके बीच में? पी क्यू इस पैरेलल टू एस आर, और ये वाला एम एन इस पैरेलल टू एस आर। तो अपन को जो आंसर है वो इसमें ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। ये वाला नहीं, अपन को क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से शेप इक्वल बेस पर भी है, सेम बेस पर भी है, और बिटवीन सेम पैरेलल भी है। तो क्या ये है? नहीं, ठीक है, बात समझ आएगी आपको। इस तरह से सारे क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, ठीक है, फालतू का टाइम पास नहीं करूं मैं। सो बाकी के 3, 4, 5 आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, ठीक है, बच्चों वाला काम है, 2 मिनट का कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके 9.1 के आपके होमवर्क रहेंगे। आगे बढ़ते बेटा, और हम चलते हैं आगे एक्सरसाइज, सॉरी थ्योरम 9.1, पहली थ्योरम हमारी। तो ये लिखना चाहिए तो लिख लें। अच्छा, बच्चे पूछेंगे सर कि इसके लिए क्या करें, तो आप एक पेज छोड़ देना, ठीक है ना। एक पेज कैसे? कि एक पेज होता है ना पूरा, ऐसे एक पेज, क्योंकि आपने दो क्वेश्चन हमने किए, बाकी करने हैं ना, तो बच्चे पूछेंगे सर कि क्या करें, आपको डाउट होगा वहां बैठे, तो ऐसे एक पेज छोड़ दे। यहां से आपने स्टार्ट किया ये एक्सरसाइज, तो आप इस एक पेज को छोड़ दें, तो इस एक पेज के ऊपर कहीं पे भी आधे डायग्राम इधर आ जाएंगे और 6 डायग्राम भी तो इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पेज यहां से आप स्टार्ट करें, इस साइड से थ्योरम 9.1 हेडिंग आ गई, थ्योरम 9.1। अच्छा, हमने आइडेंटिफाई करना तो सीख लिया कि भाई इक्वल बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल है कि नहीं है, उसके लिए थ्योरम है 9.1। 9.1 थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके लिए, स्टेटमेंट है 9.1 थ्योरम का, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज। Parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area। क्लियर? कि दो पैरेललोग्राम जो कि जिनके बीच में बेस सेम हो, या दो क्या, मोर देन वन भी हो सकता है, मोर देन टू भी हो सकता है, मोर देन थ्री भी हो सकता है, कितने भी पैरेललोग्राम, अगर वो दो लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में हो, एंड उन दोनों में से कोई एक साइड कॉमन हो, मतलब चारों में से एक साइड भी सेम बेस हो, तो हम बोलेंगे कि उन दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। सो पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद में पूरे चैप्टर के थ्रू हम उसको एज ए स्टेटमेंट या एज ए रूल काम में लेंगे, जहां काम में लेना है, जैसे मैंने बाकी वाले चैप्टर में किया है। तो चलिए, आप देखिए, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो पहली बात तो कंफर्म है, पैरेललोग्राम्स हमको दे रखे, ठीक है ना। सो हम गिवन आप लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम दो ड्रॉ कर ले, तो पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिस तरह से दे रखा है, कोई भी दो पैरेललोग्राम, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ किया अपने, ये फर्स्ट पैरेललोग्राम, एंड इसी तरह से ये वाला, ठीक है ना, सही लिखा है, थोड़ा सा और आगे कर दीजिए, ठीक है बेटा।
समझ लीजिए भाई, शेप तो आप जानते हैं ठीक है। सो दो शेप हमारे पास में, लिख लेता हूं ए बी सी और डी, दूसरा है ए ई एफ डी। क्लियर हो गया आपको? अब हमको ये प्रूफ करना है, हमको गिवन क्या है पहले हम लिख लेते हैं। सो गिवन है ए बी सी डी एंड ए ई एफ डी आर टू पैरेललोग्राम्स ठीक है ना। हमको क्या प्रूफ करना है? अब देखो जब एरिया में इक्वल होते हैं ना चीजों को, तो कैसे लिखते हैं देखो, आपको जितना सिखाता हूं। जैसे आपको बोले कि दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, लेट्स से कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया पीक्यूआर के इक्वल है, तो आप उसको लिखते कैसे हो? उसको ऐसे लिखते हैं एरिया स्मॉल के अंदर ए आर, एरिया को शॉर्ट में लिखेंगे ए आर, ट्राइंगल का नाम लिख देंगे ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोई भी शेप, ट्राइंगल तो ट्राइंगल पी क्यू आर ठीक है बेटा। अगर दो शेप का एरिया बराबर होता है तो उसको लिखते हैं ऐसे ठीक है, ए आर को एरिया को शॉर्ट में लिख देंगे ए आर, और फिर ब्रैकेट बना के उस ट्राइंगल का उस शेप का नाम जो दे रखा है आपको ठीक है। सो हमको क्या दे रखा है? दो पैरेललोग्राम दिए हुए हैं, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? हमको ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ई एफ डी। बात क्लियर होगी सभी को ठीक है ना, थोड़ी देर समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए अब प्रूफ करने के लिए हम करेंगे क्या, हम जो पिछले चार चैप्टर से करते आ रहे हैं और पिछले दो से ढाई महीने से जो हम करते आ रहे हैं वही करेंगे बेटा। क्या करेंगे कि हम ट्राइंगल लेंगे, क्वाड्रिलेटरल लेंगे, दो साइड को पैरेलल इक्वल करेंगे, वही सब कुछ काम करेंगे ठीक है। चलिए अब यहां पे एरिया की मेन बात है, एरिया की बात है। देखो इतना समझिए कि जब दो ट्राइंगल कॉन्कुरेंट होते हैं, समझा लेता हूं कि कोई भी दो शेप कॉन्कुरेंट है, आपने पढ़ा कि दो ट्राइंगल अगर कॉन्कुरेंट है तो कॉन्कुरेंट होने का मतलब क्या है? जैसे हमारे दो हाथ है, ये एक दूसरे का कॉन्कुरेंट है, एक दूसरे का आइडेंटिकल है, मतलब इसको एक को दूसरे के ऊपर रखोगे तो इन दोनों का एरिया सेम है कि नहीं? इस हाथ का एरिया, हाथ का एरिया सेम है, तो इसको एक दूसरे के ऊपर रखोगे सुपरइम्पोज करेंगे। वैसे दो ट्राइंगल अगर कॉन्कुरेंट है तो उनका एरिया भी इक्वल होता है ना, तो याद रखिएगा कॉन्कुरेंट ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया ठीक है ना, याद रखना ठीक है। यही हम करेंगे, तो हम दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल बी ए बी डी और ट्राइंगल एफ सी डी ठीक है ना। चलिए इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल एफ सी डी, दो ट्राइंगल समझ आ गया ठीक है। बात तो समझ कि दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा, मतलब अगर कॉन्कुरेंट हो गए, कॉन्कुरेंट होने का मतलब क्या है? उनका शेप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, और अगर एग्जैक्टली शेप और साइज सेम होगा तो एरिया भी तो सेम होगा बेटा ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमको पैरेललोग्राम की बनता है, तो हम ये बात जानते हैं कि भाई ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल, इसमें कोई कहने की किसी कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं ठीक है। अब चलिए बेटा अब हम बात करते हैं एंगल्स की, कैसे एंगल्स की? आप इस ट्राइंगल के तो देखिए इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल डी सी ई, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी वाली लाइन सी डी के पैरेलल है, और आप देखिए कि बी सी वाली लाइन या फिर बी एफ वाली लाइन वो ट्रांसवर्सल है। तो आप याद कीजिए कि जब दो लाइन पैरेलल होती है उसको तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो एक बहुत सारे तरह के एंगल पेयर हमने पढ़े, उसमें से एक होता है करस्पोंडिंग एंगल्स, ये वाले एंगल मतलब इस साइड के ऊपर वाला एंगल और इस साइड के ऊपर वाला एंगल दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम बोलेंगे कि एंगल बी और एंगल सी जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, कैसे? करस्पोंडिंग एंगल, समझ में आएंगे? एंगल ए बी ई इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखे, आप ऐसे लिखे, दो पहले पहले वाले बता देना, ऐसे लिखे बी सी इज पैरेलल टू ए डी, सही है ना, एंड सॉरी ए बी उल्टा लिख रहा हूं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, भाई ए बी सी डी के पैरेलल है, बी सी वाली लाइन जो है ना ये वाली ट्रांसवर्सल है, और ये वाली ट्रांसवर्सल है, आप देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगी करस्पोंडिंग ठीक है। देन एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी, क्या रीजन लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स,
करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर आपको नीचे तक नहीं दिख रहा है बोर्ड तो मैं बोल दे रहा हूं, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो भी आप नाम लिखे रीजन क्या लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो एक तेरह प्रश्न आ गया। आगे और बात करते देखो और समझते क्या चीज है। अब देखिए ये वाली लाइन जो है, अब मैं बात करूं इस ट्राइंगल के इस पैरेललोग्राम के अंदर ए ई एफ सी इस पैरेललोग्राम के अंदर, अब ए पैरेललोग्राम इस पैरेललोग्राम की बात करूं तो ये वाली लाइन जो है ए वाली लाइन वो इस एफ डी के पैरेलल है कि नहीं भाई। इस पैरेललोग्राम के अंदर ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ई एफ वाली लाइन की ट्रांसवर्सल है, तो इसके अंदर भी जो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। मतलब अगर मैं बोलूं एफ वाला एंगल वो इस ई वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, सही है। सिमिलरली लिख लीजिएगा ए इज पैरेलल टू डी एफ, ए इज पैरेलल टू डी एफ एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, मैंने यहां लिखा नहीं है, एंड बी एस इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ट्रांसवर्सल मतलब बार बार समझ नहीं रहे हो, ट्रांसवर्सल लाइन समझते हो ना, दो लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है और ये वाला लाइन ट्रांसवर्सल है, देन एंगल ई जो होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा, एंगल बीई ए इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी। ठीक है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं आई सभी को? ठीक है, नोट कर लीजिए, क्या दिशा लिखेंगे फिर से वही करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स वहां तक दिख रहा है सभी को, एंगल ये वाला बी ई ए इज इक्वल टू सी एफ डी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, वो लास्ट तक दिख रहा है सभी को करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल के एंगल आ गए, एक और साइड या एंगल निकाल लेते ना। अच्छा, तीसरा अगर आप एंगल देखेंगे ना तो तीन एंगल इक्वल होने से कोई जरूरी नहीं कि दूसरा ट्राइंगल आप कॉन्फिडेंट करेंगे। तो एक चीज तो हमेशा याद रखें कि आप ये कोशिश कभी नहीं करें कि दो ट्राइंगल दे रखे और आपको अगर कॉन्फिडेंट करने के लिए बोले तो आप उसके तीन एंगल को प्रूफ करने बैठ जाओ। तीनों एंगल प्रूफ करने के बाद भी अगर आपने तीनों एंगल प्रूफ कर लिए ना इक्वल, तभी आप ये नहीं कह सकते कि दोनों ट्राइंगल कॉन्फिडेंट है। ये हमने चैप्टर में पढ़ा है, आपको याद है ना कि तीनों एंगल अगर बराबर है दो ट्राइंगल के तो कोई जरूरी नहीं दो ट्राइंगल कॉन्फिडेंट होगी, एक साइड तो कम से कम होनी चाहिए। तो एक साइड कोई भी ले लेते हैं, देखो कौन सी साइड ले, जैसे ये बी इस ट्राइंगल की अंदर बात करूं तो बी ए वाली साइड जो है वो सी डी के इक्वल है, ये ले ले, या फिर ऐसे ले ले ए वाली साइड जो है वो सी एफ के इक्वल है, कोई भी साइड ले। ठीक है ना भाई, पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है कि नहीं, तो ए बी इज इक्वल टू डी सी, डी सी होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है, क्लियर है कि नहीं, सो लिख लेते हैं एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, लिख लीजिएगा अपोजिट साइड इन पैरेललोग्राम, हर चीज का रीजन जरूर लिखे अपोजिट साइड इन पैरेललोग्राम। आप देखिए हमारे पास में क्या क्या है, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल एंगल साइड, इस ट्राइंगल के एंगल एंगल साइड के इक्वल है, क्लियर है ना। सो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉन्फिडेंट, किसी भी रूल से आप कर सकते हैं, आपको इस बुक में मिलेगा तो अलग रूल से मिलेगा, आप इस रूल से किसी भी रूल से आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के दो ट्राइंगल को किसी भी एक कॉन्फिडेंसी के रूल से प्रूफ करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के कॉन्फिडेंट होते हैं और उसके बाद में सारे रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्फिडेंट हो गए, ये लिख लीजिए यहां तक, मैं ये यूज कर लेता हूं इधर वाला क्वेश्चन। And triangle ABE is congruent, दिख रहा है सभी को छोटा लिखा थोड़ा, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल सी एफ डी। ठीक है, कौन से रूल से, बाय एंगल एंगल साइड रूल, भूल गए रूल सारे, एंगल एंगल साइड रूल, ये भी था। ठीक है ना, ये काफी लास्ट में प्रूफ किया है, यहां तक क्लियर। अब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके रेस्पेक्टिव पार्ट वगैरह सब इक्वल होगा, हमको तो रेस्पेक्टिव पार्ट यहाँ पे कुछ चाहिए नहीं, यहाँ पे तुमको एरिया चाहिए, तो दो ट्राइंगल इक्वल होते हैं तो उनका कॉन्ग्रुएंट होता है, उनका एरिया इक्वल होता है, देन
एरिया ऑफ ए बी ई ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफ सी डी ट्राइंगल. क्लियर? लिख लीजिएगा रीजन आप कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया. फिगर लिखिएगा ट्राइंगल लिखे तो कोई बात नहीं कि दो अगर कोई भी शेप अगर कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब कि सेम जैसे हैं, कोई का एरिया इक्वल होता है. ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों का एरिया इक्वल आ गया. अब ध्यान से देखिए इसका एरिया और इसका एरिया हमने एक बार बता दिया अब तक, कौन कौन सा शेप ये वाला ये वाला. अब हमको तो क्या चाहिए भाई, हमको तो दो पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल प्रूफ करना था. तो हम लिखते हैं, अब मैं बात करूं पैरेललोग्राम ए बी सी. अब पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. अब इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी आप ध्यान से देखिए दो शेप मिलकर बना है, कौन सा. अब इसका अगर मुझे एरिया निकालना है इस एबीसी पैरेललोग्राम का, तो मुझे इसका एरिया नहीं पता, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ट्रायंगल है और एक ये वाला शेप है ट्रेपेज़ियम वगैरह जो भी है. ठीक है, सो एरिया ऑफ ए बी ई प्लस में एरिया ऑफ ए ई सी डी. भाई बात समझ आ रही है आपको? ठीक है ना, इस वाले शेप का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों एरिया को मिला देंगे तो इस एबीसीडी पूरे का एरिया आएगा कि नहीं आएगा. इसी तरह से इस ए ई एफ डी इस वाले पैरेललोग्राम के अंदर इस वाले पार्ट का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया मिला लेंगे तो हमारे पास दोनों का एरिया आ जाएगा पूरे का. ठीक है ना, यहां तक इसको इक्वेशन मान लेते. ठीक है, इसी तरह से एरिया ऑफ ए ई एफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एफ सी डी ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ए ई सी डी. भाई ए सी डी तो है, यहां पे भी ए सी डी. ठीक है ना, इक्वेशन वन और टू से आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन वन के अंदर एबीसीडी का जो एरिया है वो इसके इस ट्राइंगल के एरिया प्लस इसके एरिया के बराबर है, सॉरी इस ट्राइंगल के इसके एरिया के बराबर है. अब ये दोनों ट्राइंगल का अगर एरिया बराबर है तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस ट्राइंगल की जगह इसको लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं. तो अगर आप इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आप देखिए इसका एरिया इसके बराबर आ जाएगा. या कुल मिला के आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट कर लीजिए. कैसे, इन दोनों का एरिया इक्वल प्रूव करना है हमको. ये दोनों आप देखिए, ये दोनों सिर्फ इक्वल आ रहे हैं. इन दोनों का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को इधर ट्रांसफर करेंगे, इस वाले ट्राइंगल को इधर ट्रांसफर करो, इस वाले ट्राइंगल को इधर ट्रांसफर करो, पीछे जो शेप आ रहा दोनों का एरिया बराबर आ रहा है. हेंस हमारा प्रूफ हो जाएगा कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, सेम. क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? और ज्यादा डिटेल में लिखने से कोई मतलब नहीं, इक्वेशन बनाए चार पांच और लिखे उससे क्या मतलब बेटा. हेंस एरिया ऑफ हेंस बाय इक्वेशन वन एंड टू एरिया ऑफ एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफ सी एफ ई सी. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको आराम से. ठीक है, अब जो हम बाकी सारे थ्योरम करेंगे या फिर क्वेश्चन करेंगे वहां पर सीधा इसको स्टेटमेंट के तौर पर काम में लेंगे. आपको क्या जीवन में बता दो कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि दो पैरेललोग्राम दे रखे या फिर एक पैरेललोग्राम एक ट्राइंगल दे एक रेक्टेंगल दे रखा है. अब सपोज दो पैरेललोग्राम दे रखे, आपको पूछे भाई ए बी सी डी का एरिया आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी दे रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है. आपको पूछे ए एफ सी डी का एरिया निकालिए, तो आपको जब थ्योरम बताया कि दोनों का एरिया बराबर होता है तो सीधा ये थ्योरम लगा के इतना सा फॉर्मूला लिखेंगे, उसके नीचे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे. क्या कहते हैं, सही है, नोट कर लीजिए फटाफट. तो आज के लिए थ्योरम 9.1 आप याद करें समझे, उसके बाद में आगे कल पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही, थैंक यू.